नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। पिछले जन्म के किए कर्मों के अनुसार ही वह सुख और दुख झेलता है। अपने व्यवहार के चलते ही कई बार उदंडता का खमियाजा भी भुगतता है। आइए आज आपको महाभारत काल में कौरव वंश के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को उसकी उद्दंडता के चलते मिले श्राप से अवगत करवाते हैं। आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय से श्राप मिला। महर्षि मैत्रेय से मिले श्राप के कारण ही महाबली भीम ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। क्यों महर्षि मैत्रेय ने दिया था दुर्योधन को श्राप? कहा जाता है कि एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाराज धृतराष्ट्र से मुलाकात करके कहा कि महर्षि मैत्रेय राज्यसभा में आ रहे हैं। महर्षि मैत्रेय पांडवों से मिल चुके हैं, अब वह आप लोगों से मिलना चाहते हैं। महर्षि मैत्रेय के आने का उद्देश्य केवल उपदेश ही देना है। वह तुम्हारे पुत्रों को पांडवों से मेल मिलाप का उपदेश देंगे। मैं केवल यह बताने आया हूँ कि महर्षि मैत्रेय जो भी कहें उसे दुर्योधन बिना तर्क किए मान ले। यदि महर्षि मैत्रेय की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो वह क्रोध में आकर श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनना ही सभी के लिए हितकारी होगा। उनके उपदेशों को मानना या ना मानना अब यह तुम पर ही निर्भर करता है। इतना कहकर वेदव्यास जी चले गए। ऋषि वेदव्यास के जाते ही महाराज धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के स्वागत के लिए अपने पुत्रों सहित तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ समय विश्राम करने के बाद धृतराष्ट्र ने महर्षि मैत्रेय से पूछा कि भगवान, आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? तो महर्षि मैत्रेय ने बताया कि राजन वह तीर्थ यात्रा कर वापिस आ रहे हैं। संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों से छल से जुए में राज्य छीन लिया है। महर्षि मैत्रेय ने महाराज धृतराष्ट्र से यह कह पीछे मुड़कर दुर्योधन से कहा कि क्या तुम जानते हो कि पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं? इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल मिलाप के संग रहना चाहिए। मेरी बात मान लो और गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को गुस्सा आ गया। वह व्यंग्यपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगा। इतना ही नहीं, इसी दौरान उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल भी ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि मैत्रेय को गुस्सा आ गया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप देते हुए कहा कि तूने मेरा अपमान किया है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन भी नहीं सकता था। जा घमंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को युद्ध में गधा से तोड़ दिया जाएगा। यही तुम्हारी उदंडता का फल है। कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की तरफ सभी वीर मारे गए तब अंत में दुर्योधन के साथ हुए गदा युद्ध में महाबली भीम दुर्योधन की जंघा को तोड़ देता है। यह महर्षि मैत्रेय के श्राप का ही परिणाम था। सो दोस्तों, ये थी दुर्योधन को मिले श्राप से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।